खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापियों ने एसईसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के द्वार का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने लंबित रोजगार प्रकरणों में रोजगार देने की मांग को लेकर घेराव किया। साथ ही तालाबंदी प्रदर्शन के बाद एसईसीएल के अधिकारियों ने कुसमुंडा हाउस में एक प्रतिनिधिमंडल की मांगों को संबंध में चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन भू विस्थापित के आंदोलन के दौरान कोई भी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय के अंदर नहीं जा पाया। इस बीच कुसमुंडा प्रोजेक्ट के अधिकारियों और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि 1045 दिन से कुसमुंडा मुख्यालय के सामने भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ किसान सभा के सहयोग से जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कई बार खदान को बंद भी किया गया। मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर खदान बंद करने की भी घोषणा की है। आज भू विस्थापितों के लंबित रोजगार प्रकरणों की समस्या को लेकर कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय में तालाबंदी किया गया था, जो सुबह 8 बजे चालू हुआ, करीब 1:30 बजे तक चला। और ऐसी सिर्फ प्रबंधन पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे भू विस्थापित आक्रोशित हैं और इसीलिए आज तालाबंदी की नौबत आई है। ऐसी सिर्फ प्रबंधन ने उच्च स्तरीय बैठक 14 तारीख को करने का आश्वासन लिखित में दिया है, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त आज हुआ है। अगर 14 तारीख को सकारात्मक चर्चा नहीं होगा तो हम खदानबंदी की ओर भी जाएंगे। इस बात को प्रबंधन अभी चेतावनी के रूप में ले और गंभीरता से भू विस्थापितों को समस्या का निराकरण